बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट पार्ट होंगे। मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल शाइन हेल्थ केयर ब्यूटी टिप्स में। तो जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि गंजपन को किस तरह से ख़त्म किया जाए, वो भी घरेलू तरीके से। तो चलिए वीडियो को आगाज़ करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। मैं आज की इस वीडियो में दो रेमेडीज बताऊंगी। अच्छा जी, पहले चीज़ें नोट कर लें। किनो के छिलकों का पाउडर आपने एक चम्मच लेना है, प्याज का पानी भी एक चम्मच लेना है। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूंगी नीम्स ऑयल। नीम्स ऑयल एक बेहतरीन एंटी फंगस है। एंटी फंगस किसी भी किस्म का सेप्टिक हो या फंगल इन्फेक्शन, इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। नीम्स ऑयल के 4 से 5 ड्रॉप्स ले रही हूँ। आखिरी चीज जो मैं ले रही हूँ वो है विटामिन ई कैप्सूल। ये 400 mg का कैप्सूल है, ये बहुत इजीली मिल जाता है, ये एक मैं ऐड करूँगी। विटामिन ई का कैप्सूल बहुत जरूरी है बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की नशनुमा के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया। इसको लगाने का तरीका क्या है कि इसको आपने अपने अफेक्टिव एरिया पे लगाना है, यहाँ यानी कि जहाँ पे आपको गंजपन का इशू हो रहा है वहाँ पे आपने इसको लगाना है, वहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है और फिर लेप करके छोड़ देना है, ना कि इसको रब करना है ना मसाज करना है, जस्ट अप्लाई करना है। तकरीबन 2 माह इसको आपने यूज़ करना है। रोज़ाना इसको 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है, ज़्यादा देर इसको यूज़ नहीं करना। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो है, वो बहुत इजी है। एक लहसुन का जवा लेकर इसको दरमियान से काट लें और अंडे का तेल, अंडे के तेल को रोगने बेजा भी कहते हैं। अच्छा जी, जिस एरिया में आपने आपका गंजपन है वहाँ पे ये अंडे का तेल 2 से 3 कतरे लगा के लहसुन को जो हमने सेंटर से काटा था, इसको सेंटर वाले हिस्से से आपने उस जगह पे रब करना है जहाँ पे आपने ऑयल लगाया अपने अफेक्टिव एरिया पे, तकरीबन 15 मिनट रब कर लें। इसके मैजिकल रिजल्ट्स हैं। पहली चीज ये कि अपनी खुराक को बेहतर करें। इस रेमेडी से आपकी अफेक्टिव एरिया पर दाने आएंगे तो आपने परेशान नहीं होना, ये पॉजिटिव साइन होगा, इससे आपके वहाँ पे बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की अफेक्टिव वीडियो। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।